बेलारूस में वैगनर ग्रुप के कैंप ध्वस्त किए गए। बेलारूस रूस सीमा के पास बने हुए थे ये कैंप। ये सैटेलाइट इमेज आपको बता रही है कि कैसे उनके कैंप हटा दिए गए। सैटेलाइट इमेजेस से यह खुलासा हुआ है। 23 अगस्त को प्लैनेट लैब्स ने ये तस्वीरें ली हैं। 23 अगस्त यानी दो दिन पहले की तस्वीरें हैं। पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंच चुके थे ये वैगनर लड़ाके और कहा जा रहा था कि पोलैंड पर कहीं अटैक ना कर दे। उसी के आसपास की लोकेशन की ये तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से ली गई हैं। ये वैगनर लड़ाकों के टेंट की तस्वीरें हैं। बिग वॉल पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। दीजिए पीसीआर मुझे बिग वॉल पर। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे वो टेंट, दो तस्वीरें सैटेलाइट की बताती हैं कि हटा दिए गए। 1 अगस्त 2023, जरा आप देखिए, मनीष मेरे साथ आइए यहां पर। 1 अगस्त 2023 देखिए, ये टेंट की तस्वीरें आपको दिख रही हैं। कितने सारे टेंट, एक लाइन से ये टेंट लगाए गए हैं। और फिर 23 अगस्त 2023 की ये तस्वीर देखिए, जहां वैगनर के कैंप हटा दिए गए। ये देखिए मनीष, ये क्या बताती हैं तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए 23 अगस्त वो तारीख है जिस दिन प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश हुआ था, और उस दिन ये तस्वीर ये बताती है कि वहाँ पर जो कैंप लगाए गए थे, हजारों की संख्या में जो वैगनर के लड़ाके वहाँ पर थे, और ये स्पेशल कैंप बनाया गया था वहाँ की राजधानी मिन्स से कुछ किलोमीटर दूर, जहाँ पर कि दरअसल ये कहा गया था कि वैगनर लड़ाके बेलारूस की आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इसलिए एक स्पेशल कैंप वहां पर जनरेट किया गया था और वहां पर भारी मात्रा में थे। लेकिन जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, उसके कुछ घंटों के भीतर वहां से कैंप सबको खत्म किए जाने लगे और वैगनर लड़ाकों को कहा गया कि अब आप यहां से चलिए। इसका मतलब वो कहां जाएंगे, क्या फिर वो वापस? सवाल यही है, 25,000 लोगों का मूवमेंट ऐसी बात नहीं जो छिपा कर किया जा सके। कहां गए लड़ाके? देखिए 25,000 कुल संख्या है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि 25,000 के 25,000 यहीं पर मौजूद थे। 25,000 में से 6,000 से 10,000 की संख्या हो सकती है, ठीक है, जो इस कैंप में मौजूद थे। बाकी बहुत सारे अभी वैगनर लड़ाके ऐसे हैं जो कि रूस में ही अलग अलग जगह पर थे। असल में टेंशन यही है कि प्रिगोजिन के मारे जाने के बाद इनपुट यही मिले थे कि शुरू में तो ये लोग बहुत आक्रोशित थे और ये इनपुट मिले थे कि ये सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को या कुछ और शहरों में आकर बवाल काट सकते हैं, ठीक है, और इसीलिए अब जो है सो डैमेज कंट्रोल की। अब यहाँ पर एक और आप रहिएगा, बेलारूस से वैगनर के जॉम्बी कहाँ गए, जो मैं बार बार मनीष से पूछ रहा हूँ। ये पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है, ये है कीव यूक्रेन की राजधानी, और ये है रूस की राजधानी मॉस्को। सेंटर पॉइंट क्या है? बेलारूस का सेल, जहां पर ये वैगनर लड़ाके थे जो मनीष बता रहे हैं। अगर आप दूरी देखें तो 516 मील की दूरी पर वॉर्सो है, 380 मील की दूरी पर काइव है, और मॉस्को है 625 मील की दूरी पर। इनमें से सबसे मुफीद क्या हो सकता है मनीष, इन वैगनर लड़ाकों के लिए? इनमें सबसे खतरनाक, पहले मैं बता दूं, अगर वैगनर लड़ाके यहां से यहां गए तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। आपको याद होगा अमेरिका ने बयान दिया था कि वैगनर के लड़ाके ने अगर पोलैंड पर आक्रमण किया तो हम उसे रूस का हमला मानेंगे। काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मर्सनरी फोर्स है? क्या पता उनको किसी ऐसे रूस विरोधी ग्रुप ने खरीद लिया और ये वहां जाकर लड़ाई ना करके बल्कि यूक्रेन का साथ दे। और ये भी तो हो सकता है कि अमेरिका ये सोचे कि ये पुतिन की चाल है, ये सारा कुछ करके वो दरअसल यही कराना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिका ने कहा था कि अगर वैगनर लड़ाके, आपको याद होगा सुलोवकी कॉरिडोर में जब 1,000 पहुंचे थे तो अमेरिका की तरफ से बयान आया था कि वैगनर के लड़ाकों ने अगर पोलैंड पर आक्रमण किया तो हम उसे रूस का नाटो पर हमला मानेंगे। और मेरा मानना यही है, मेरा अपना मानना यही है कि प्रिगोजिन के मौत की वजह भी यही थी, ठीक है, जब वो वहां पर पहुंच गए थे वो पोलैंड पर आक्रमण करना चाहते थे, जिसे क्रेमलिन मंजूर नहीं कर रहा था। दूसरा ऑप्शन आप आइए कि सबसे आसान ऑप्शन यही है, आज की तारीख में अगर वैगनर के लड़ाके यहां पहुंच जाए तो मुझे मान के चलिए कि प्रिगोजिन की शहादत को वो सम्मान देंगे। अच्छा, लेकिन अगर वो इधर की ओर लौटते हैं, जो कि सबसे अधिक आशंका है, जिसके इनपुट हैं, और इसी वजह से पुतिन का स्टेटमेंट आ रहा है, लावरोव का आ रहा है, रमजान कादिरोव का आ रहा है, उन तमाम लोगों का जिनको बहुत रिगार्ड करते हैं। देखिए वैगनर लड़ाके पुतिन को बहुत रिगार्ड करते हैं, वो रमजान कादिरोव को रिगार्ड करते हैं, उन सबका स्टेटमेंट करके उनको कहा जा रहा है कि देखो ये हादसा पैसिफाई किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कंट्रोल रहो, ठीक है। और एक सवाल यही है कि अब अगला वैगनर चीफ कौन बनेगा जो इनको कंट्रोल करेगा? मनीष आप अपनी जगह लीजिए, मैं आपको फिर बुलाऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी।